स्वदेशी भारत को ध्यान में रखते हुए FFW इंडिया की पहली रेसलिंग कंपनी ने विदेशों में लड़ी जाने वाली रेसलिंग की शुरुआत भारत में साल 2009 में की। आपको बता दें कि FFW को भारत की ओर से ग्लोबल अचीवमेंट अवार्ड 2020 के साथ साथ एशियन एक्सीलेंस अवार्ड और बेस्ट प्रोमिसिंग कंपनी इन इंडिया के अवार्ड से भी नवाजा गया है। पिछले 8 नवंबर को इसके लिए 200 लोगों का ऑडिशन भी हुआ था, जिसमें से 10 लोगों को चुना गया, जिनमें FFW तैयारी करा रहा है। FFW का कहना है कि अब भारत के रेसलिंग रेसलर बाहर जाकर नहीं लड़ेंगे, बल्कि विदेशों से लोग भारत लड़ने आएंगे। FFW के फाउंडर, डायरेक्टर और मास्टर ट्रेनर का यह कहना है कि जहां भारत के रेसलर्स को विदेशों में अपनी प्रतिभा दिखाने जाना पड़ता था, अब हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं जहां पर विदेशों से रेसलर्स भारत आकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। दोस्तों, 8 नवंबर को जो ऑडिशंस हुए हैं उसमें भारत के हर एक नौजवान ने, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, बढ़ चढ़कर बहुत अच्छा हिस्सा लिया है। और मैं सैल्यूट करता हूं हर एक भारतीय को जिन्होंने FFW में आकर ऑडिशंस दिए हैं और अपने हुनर को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है, क्योंकि एक FFW ही एक ऐसी इकलौती कंपनी है जो अपने भारत की स्वदेशी रेसलिंग कंपनी है। स्वदेशी मतलब आपकी अपनी। दोस्तों, और आज के दिन में जो लड़कियों को घर से बाहर निकलने का मौका नहीं मिल रहा है, FFW लड़कियों को रेसलर बना रहा है, तो मैं भी अभी ट्रेनिंग में हूँ और आने वाले दिन में मैं एक बहुत बड़ी रेसलर बन के आप सबको दिखाऊंगी। और मैं चाहती हूँ कि भारत की जो भी जितनी भी लड़कियाँ इंटरेस्टेड है रेसलिंग में, तो वो आ सकती है यहाँ पर और अपना हुनर दिखा सकती।